अगर आप भी कभी चार धाम यात्रा पर आते हैं उत्तराखंड में और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आज मैं आपको उस जगह लेकर जाने वाला हूँ पहाड़ों के बीच में, बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पर बद्री विशाल जी के पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। 1% भक्तों को भी नहीं पता है पद चिन्हों के बारे में, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो मैं इस समय बद्रीनाथ धाम के पास में, यहाँ पर देखिए बद्री भगवान की चरण पाद का भी है, यानी कि पद चिन्ह है, उनके पैरों के निशान हैं, तो वो देखने के निकलते हैं। बद्रीनाथ धाम से आपको लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो चलते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं बद्रीनाथ महाराज के, विष्णु भगवान के पद चिन्हों के। जय श्री बद्री विशाल। चरण पाद का भी जाने के लिए यहाँ पे देखिए बद्री धाम है, बद्रीनाथ धाम है यहाँ पे, यहाँ से पूरा ये रास्ता जा रहा है मार्केट का, इससे ही आपको जाना पड़ता है। और लगभग ये लगा कि चलिए जाने में आपको 1 घंटे तक का समय भी लग सकता है, तो चलते हैं। अभी शाम हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हूँ। देखिए ये जो पूरा रास्ता है जा रहा है विष्णु भगवान के पद चिन्ह की ओर, चरण पादुका की ओर, जहाँ पर साक्षात हमारे भगवान के पद चिन्ह चरण कमल देखने के लिए मिलेंगे, उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और मौसम अब फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बारिश आने लगी है। अभी देखिए बद्रीनाथ घाटी से इतना ऊपर आ चुका हूँ मैं, इस समय ट्रैक पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, देखिए कोई भी नहीं है, पर एक इंसान जो मेरे साथ है इस समय, एक शक्ति जो मेरे साथ है, वो है मेरे महादेव। और महादेव साथ दे रहे तो बस फिर किसी की चिंता नहीं है, पहुंच जाएंगे जल्दी ही। अप्रोक्स 2.5 से 3 किलोमीटर चलना पड़ता है आपको अगर चरण पादुका के दर्शन करने हैं। कोशिश कीजिए कि आप दिन में ही कर ली इस ट्रैक को, पानी कुछ खाना साथ में डंडी वगैरह भी लेकर चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्त गंगा 500 मीटर, चरण पाद का भी 500 मीटर, तो अभी चलते हैं। 500 मीटर आगे है, जल्दी कवर करना है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चरण पाद का के पास में, और व्यू देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है, यहाँ तो बिल्कुल ही स्वर्ग है। ये देखिए यहाँ पे जूते निकालने के लिए बोला गया है, तो अभी जूते निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए नारायणा होली फुट लिखा है, तो दर्शन करते हैं। ये है नारायण चरण पाद का शिला, यहाँ पर देखिए भगवान के चरणों के निशान हैं, पद चिन्ह हैं ये भगवान जी के। हर हर नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण विष्णु है नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये है भगवान विष्णु के पद चिन्हों के निशान जो कि इन वादियों में है, देख सकते हैं। और इस समय यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, जुराबें भी गीली हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, ये भगवान के चरण है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बद्री विशाल के चरणों के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। आप ज़रूर इस सौभाग्य को खुद आकर प्राप्त करना चाहेंगे। जब भी बद्री भगवान के दर्शन करने के लिए आएँ तो ज़रूर नारायण के भगवान बद्री के चरणों के दर्शन भी करना ना भूलें। आपको मात्र यहाँ आने में 40 से 45 मिनट या एक घंटा ही लगेगा। थोड़ा सा खाना पानी लेके आ सकते हैं, आपको भूख ना लगे, अपनी स्टिक लेके आ सकते हैं और आप भक्तों को अच्छे से दर्शन हो, मैं यही कामना करता हूँ। बद्रीनाथ धाम से चरण पादुका की दूरी 3 किलोमीटर की है, जहाँ पर आपको एलिवेशन लगभग 10 से 10,500 फीट का मिलने वाला है। भागवत पुराण की माने तो माना जाता है विष्णु भगवान ने सबसे पहले अपने चरण कमल इसी स्थान पर रखे थे, उसके बाद यहाँ से भगवान बद्रीनाथ की ओर चले। भगवान विष्णु की चरण पादुका के पास से ही आपको अगर मौसम साफ होता है तो नीलकंठ पर्वत के दर्शन हो जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग यहां से 7 किलोमीटर की है। चरण पादुका के पास ही आपको नर और नारायण पर्वत के दर्शन भी होते हैं, साथ ही में बहने वाली ऋषि गंगा भी आपको दर्शन देती है, जो कि पूरे रास्ते आपके साथ चलती रहती है। जगह जगह आपको जल प्रवाह देखने के लिए मिलते हैं और ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं। भगवान बद्री के चरणों के दर्शन करने के बाद तो जैसे मन एकदम तृप्त हो गया है और कहीं ना कहीं एक जो इच्छा थी मेरे दिल की वो पूरी हो गई है। और आज थोड़ा सा समय का अभाव था, मतलब आज समय काफ़ी ज़्यादा कम था, इस चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं रुक पाया, मात्र मैं 10 मिनट ही रुका हूँ। पर महादेव ने, श्री बद्री विशाल जी ने इतना मुझे समय दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। आप लोग जब भी आएँ थोड़ा समय लेकर आएँ, बस यही मैं आग्रह करूँगा। और बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, महादेव आप लोगों के साथ में हैं, भक्तों को अवश्य ही दर्शन देंगे, ऐसा मुझे पूरा ही भरोसा है। आप ज़रूर दर्शन करने के लिए आइए और ज़रूर ये भी बताना ना भूलें कि जब आपको दर्शन हो जाएँ तो कैसा आपको अनुभव रहा, कैसे आपको अनुभूति हुई, ये मुझे बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ।